लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा झारखंड में कॉल सेंटर चलाकर करता था धोखाधड़ी, लोगों को फोन कर एटीएम की जानकारी लेकर करता था ठगी। शातिर जालसाज के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज। जालसाज पिछले दो साल से लोगों को चूना लगा रहा था, लोगों से ठगी कर रहा था, दो साल में 50 लाख रुपए की कर चुका है धोखाधड़ी। सरोजनी नगर पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सरोजनी नगर पुलिस और साइबर क्राइम टीम को सफलता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। हम लोग एक कार्य योजना बना रहे, लेकिन आप अवगत होंगे कि जैसे आपने स्वयं कहा कि लखनऊ में बहुत सारे कॉलोनीज है, बहुत सारे किराएदार हैं और एक एक किराएदार का सत्यापन में समय लगता है, एक्शन होते हैं, तो इसलिए हार्ड कैश इनके पास नहीं होता है। परंतु हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करें कि कितने ट्रांजेक्शन इनने किए, उससे कौन कौन से सामान खरीदे गए और वो कहाँ कहाँ मतलब डिलीवर किया गया। उम्मीद है कि और थोड़ी बहुत बरामदगी हम लोग कर लेंगे। ये हम लोग एक कार्य योजना। तो सरोजनी नगर पुलिस को कामयाबी, क्राइम ब्रांच को कामयाबी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा झारखंड में कॉल सेंटर चलाकर करता था धोखाधड़ी, लोगों को फोन कर एटीएम की जानकारी लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। शातिर जालसाज के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज है। जालसाज पिछले दो सालों से लोगों को ठग रहा था, दो सालों में 50 लाख रुपए की कर चुका है धोखाधड़ी। सरोजनी नगर पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने की है गिरफ्तारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा झारखंड में कॉल सेंटर चलाकर धोखाधड़ी करता था और लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, लोगों को फोन कर एटीएम की जानकारी लेकर ठगी को अंजाम दिया करता था शातिर।